इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, जहां पर दिल्ली एनसीआर में भूटानी बिल्डर के ठिकानों पर छापेमारी की जानकारी मिल रही है। भूटानी बिल्डर के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी की खबर है और लॉजिक्स 108 एडवेंट बिल्डर के ठिकानों पर भी रेड की जानकारी मिल रही है। लगभग 45 इनकम टैक्स के अधिकारी छापेमारी में पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। लॉजिक्स 108 एडवेंट बिल्डर के ठिकानों पर लगातार छापेमार कार्रवाई चल रही है। लगभग 45 इनकम टैक्स के अधिकारी हैं जो इस छापेमार कार्रवाई में पहुंचे हुए हैं और दिल्ली एनसीआर में भूटानी बिल्डर के ठिकानों पर तमाम अलग अलग ठिकानों पर ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल भूटानी बिल्डर के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी की खबर मिल रही है और ये जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। भूटानी बिल्डर के ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। लगभग 45 इनकम टैक्स के अधिकारी हैं जो इस छापेमार कार्रवाई में पहुंचे हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूटानी बिल्डर के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, छापेमारी की खबर है और ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। भूटानी बिल्डर के अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स के तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक लॉजिक्स और 108 एडवेंट बिल्डर के ठिकानों पर भी रेड की जानकारी मिल रही है। लगभग 45 इनकम टैक्स के अधिकारी हैं जो इस छापेमार कार्रवाई में शामिल हैं। तो 45 इनकम टैक्स के अधिकारी इस छापेमार कार्रवाई में जुटे हुए हैं। शिव मेरे सहयोगी अधिक जानकारी वो इस खबर से जुड़ी हुई देंगे। शिव, भूटानी बिल्डर के ठिकानों पर और भी अन्य बिल्डर्स के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है? देखिए मनीषा, तीन बिल्डर्स जो दिल्ली एनसीआर के बड़े बिल्डर्स हैं, जिसमें भूटानी बिल्डर समेत लॉजिक्स बिल्डर है, वही एडवेंट बिल्डर है, इन सभी के ठिकानों पर छापेमारी इस समय चल रही है। आज दोपहर करीब 3 बजे से इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है और करीब 6 से ज्यादा जगह दिल्ली एनसीआर की है, चाहे वो उसमें भूटानी बिल्डर के या अन्य बिल्डर है, उनके घर है, ऑफिस है या कमर्शियल उनकी बिल्डिंग्स है, सभी जगहों पे इस समय छापेमारी चल रही है। 45 से ज्यादा इनकम टैक्स के अधिकारी हैं जो कि गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली के हैं और यहाँ पे जो मेन जो इनकम टैक्स की जो टीम है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो यूनिट है इनकम टैक्स की, वो उसके अगुवाई में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। फिलहाल 2 घंटे से ऊपर का समय होने जा रहा है जब 45 से ज्यादा अधिकारी जो है तमाम जगहों पे यहाँ पे छापेमारी कर रहे हैं। और क्योंकि जो प्रॉपर्टी की जो सेल परचेज है उसकी शिकायत मिली थी कि इसमें कैश में लेन देन जो है गड़बड़ी की गई है, उन्हीं छापे उसी को लेके यहाँ पे इनकम टैक्स की ये बड़ी कार्रवाई जो है फिलहाल चल रही है। और ऐसे में जबकि भूटानी बिल्डर जो पिछले कुछ सालों में एकदम से खासतौर से दिल्ली एनसीआर के एक बड़े प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कैश की जो लेन देन है, जो ट्रांजेक्शन है, उसको लेके यहाँ तमाम जो फाइलें हैं वो सेक्टर 136 में जो भूटानी का ऑफिस है वहां पे इस समय जो है इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद है और लगातार ये जो इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो अकाउंट डिपार्टमेंट और जो अधिकारी हैं भूटानी ग्रुप के, उन सभी से इस बारे में पूछताछ कर रहे हैं, जो फाइलें हैं उनको खंगाल रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस तरीके से अब से पूर्व में भी जो बिल्डर्स के ठिकानों पर छापेमारी की गई है, करोड़ों रुपए की जो ट्रांजेक्शन है उसमें फिर जो हेराफेरी आई है, तो ऐसे में अब इनकम टैक्स की जो कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन शिव, अपने आप में बड़ी जानकारी है कि बड़ी खबर है क्योंकि 45 इनकम टैक्स के ऐसे अधिकारी हैं जो इन तीनों बिल्डर्स पर छापेमारी कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं, लेकिन कितना और समय लगेगा और अभी तक की छापेमारी में क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आ रही है, क्या कि पोसेशन को लेकर ये अवैध, जिस तरीके से हम लगातार देखते हैं कि बड़े बिल्डर्स जो होते हैं वो इलीगल पोसेशन को लेकर भी धर दबोचे जाते हैं, या फिर किसी प्रकार की कोई ऐसी इलीगल कार्रवाई या फिर गतिविधि को देखा गया है क्या अभी तक? देखिए, ये माना जा रहा है कि जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन है उसमें गड़बड़ी है, उसको लेके ही इनकम टैक्स को इनपुट मिला है, जिसके बाद ये कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। फिलहाल ये कार्रवाई अब शुरू हुई है, एक के बाद एक जो तमाम फाइलें हैं, तमाम जो दस्तावेज हैं जो बिल्डर्स के यहाँ मौजूद हैं, उन अधिकारियों से भी यहाँ पे पूछताछ की जाएगी जो यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये कहना अब जल्दीबाजी होगी कि कितनी देर तक ये कार्रवाई चलेगी, जब इनकम टैक्स की जो टीम है वो तमाम जो दस्तावेज है या जो प्रोजेक्ट है उन सभी के यहाँ पे जब दस्तावेजों को यहाँ पे पूर्ण तरीके से खंगाल लेगी, उसके बाद ये साफ हो पाएगा। लेकिन अगर बिल्डर्स को लेकर कोई अवैध गतिविधि की जानकारी मिलती है या फिर ऐसे कुछ दस्तावेज शिव मिलते हैं, तो ऐसे में उस वक्त जो अधिकारी रहे होंगे, जो सम्मिलित रहे होंगे, उन पर भी आने वाले समय में गाज गिर सकती है। बहुत शुक्रिया शिव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा।